मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टडी किया था। आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 12 है, सो टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 59। ओके, देन मेंशन डेट एंड डे। टुडेज डेट इज 9 एंड डे क्या है? वेनसडे। तो आपको भी मेरे साथ साथ ये मेंशन करना है। ओके, हमारा टॉपिक है आज का द पास्ट टेंस, है ना। पास्ट मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है? जो बीत चुका हो। पास्ट मीन्स क्या होता है? जो बीत चुका हो। भूतकाल जो होता है ना, उसको अपन कहते हैं पास्ट। ओके, तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस लेसन में हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, ये चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको डेट एंड मेंशन करना है, तो आप लोगों ने अब तक कर ही लिया होगा। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होती है ना, अगर सिंगुलर हो तो उसकी वर्ब में एस या ईएस हो जाता है, एड। ठीक है, अब इसमें तो हो ये ईएस लग ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में तो सेकेंड फॉर्म आती है हमेशा, ये पहले जान चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पास्ट होता है ना, उसमें क्या होगा? सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे। दे वर्कड ऑल नाइट यस्टरडे। वे कल पूरी रात काम कर रहे थे, है ना। थे हो गया मतलब, सॉरी, काम किया था, है ना। शी वॉज नॉट एंग्री, वह एंग्री नहीं थी, गुस्सा नहीं थी। वी सा अ फिल्म यस्टरडे, हमने कल एक फिल्म देखी। तो ये वर्ड वॉज सा, ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। फोर्थ, दिनकर बॉट कैमरा फ्रॉम दिल्ली। दिनकर ने कैमरा कहाँ से खरीदा? यस, दिल्ली से खरीदा, है ना। डिड केतन टॉक टू यू, क्या केतन ने आपसे बात की? तो ये सारे क्या हो गए आपको? डिड जो है ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है डू की। तो जब भी सेकेंड फॉर्म आती है तब कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? जो पहले ही हो चुका है। दिस सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द एक्शंस दैट हैव हैपन इन द पास्ट। ये सेंटेंस हमें क्या बता है? उन चीज़ों के, उन एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उन क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं जो कि पास्ट में हो चुकी है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम अगो। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि कुछ टाइम पहले ही हो चुकी हो, है ना। वी यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, है ना। हम जो होता है वर्ब की जो पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, है ना। वर्ब की जो पास्ट होती है ना, उसका यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट में। जैसे वर्क का वर्ड वॉज, सा, सी का जो सेकंड फॉर्म है सा, और बॉट। इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। अगर अपने को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में अपन वापस उसको पास्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। जैसे डिड नॉट वर्क, ये नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हमको क्या लिखना होगा? डिड नॉट वर्क, ये हमारा राइट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ना क्या बताना चाह रहा है ना। जैसे अपन इसमें ये होता है कि डिड नॉट, है ना, डिड नॉट जब अपन लगाएंगे ना तो रूट वर्ब हो जाएगी, वो सेकेंड फॉर्म से पास्ट फॉर्म से क्या हो जाएगी? रूट वर्ब। जैसे कि एक सेंटेंस है, दे वर्क ऑल नाइट यस्टरडे। ठीक है, अब इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो दे डिड नॉट आ जाएगा। अब जो वर्क है ना, वो वर्क को अपन क्या कर देंगे? वर्क नॉर्मल फॉर्म, ऑल नाइट यस्टर
डे, इस तरीके से, ठीक है, नेगेटिव बनाते हैं। तो ये हमको यही बताना चाह रहा, डिड नॉट सी हो जाएगा, डिड नॉट बाई हो जाएगा, बॉट की जगह, ठीक है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी पुट डिड बिफोर द सब्जेक्ट, है ना। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, यानी कि डिड ये जो है ना, सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा एंड यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और रूट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ये बनाया अपन ने नेगेटिव, है ना, ये तो हो गया नेगेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे अपन। डिड को आगे लिया है, सब्जेक्ट चला गया पीछे, नॉट आना ही नहीं है, क्या बन गया, डिड दे वर्क ऑल नाइट यस्टरडे, क्या उन्होंने पूरी रात वर्क किया, डिड दे वर्क ऑल नाइट यस्टरडे, है ना। तो क्या हो गया, डिड आके आ गया, सब्जेक्ट इसके जस्ट बाद आ गया, और नॉट को अपने को लिखना ही नहीं है। तो इस तरीके से अपन इंट्रो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, ओके। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, सो टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पास्ट टेंस है, आपको फिल करना है, जैसे लाइक है तो लाइक्ड हो जाएगा, रिवॉर्ड है तो रिवॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है। द टीचर्स लाइक्ड माई वर्क एंड रिवॉर्डेड मी, है ना, टीचर ने मेरे वर्क को पसंद किया और मुझे रिवॉर्डेड किया। अब यहाँ पे क्या, हियर का हियर, आई हियर द न्यूज़ इन द मॉर्निंग, मैंने जो न्यूज़ है कब सुनी थी, मॉर्निंग में सुनी थी। थर्ड वी ट्रैवल का हो गया ट्रैवल, वी ट्रैवल टू मुंबई बाई कार, है ना, हमने क्या किया, ट्रैवल किया मुंबई में, और किसके द्वारा किया, बाय कार। अब यहाँ देखेंगे नो, नो का होता है न्यू। द चाइल्ड न्यू द करेक्ट आंसर, बच्चा जो है वो सही आंसर जानता था। यहाँ क्या, स्पेंड, स्पेंड का होता है स्पेंट, एस पी ई एन टी। दे स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अ रिसोर्ट, उन्होंने उनके जो हॉलीडेज है कहाँ स्पेंड किए, एक रिसोर्ट में स्पेंड किए, ओके। सिक्स, फील का फेल्ट होता है, समीर फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, समीर ने सॉरी फेल्ट किया, फील मतलब कि महसूस किया उसकी मिस्टेक के लिए, ठीक है। सेवन, ड्रॉप, ड्रॉप का होगा ड्रॉप्ड, करिश्मा ड्रॉप्ड द बॉल, ड्रॉप मतलब उसने जो बॉल है उसको ड्रॉप किया। डू और डू, डू का डिड हो जाएगा, ठीक है, एक और डू, डू ही रहेगा। वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, है ना, कि तुमने तुम्हारा होमवर्क क्यों नहीं किया। वांट का वांटेड, अमन वांटेड टू ईट आइसक्रीम, अमन जो है आइसक्रीम खाना चाहता था। टेन, वेक का वॉक, शी वॉक अप एट 5:30 दिस मॉर्निंग, है ना, कितनी बजे उठी वो, दिस आज की मॉर्निंग में 5:30 पे, ओके। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म में लिखना था। तो आई होप आप सभी को ये वर्क समझ आया होगा और पास्ट सिंपल टेंस भी समझ आया होगा। कल की जो क्लास हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, थैंक यू।